प्रोग्राम कहानी दर कहानी में महमूद शाहिद का अफसांचा समाज फरमाइएगा। अब सांचे का उन्वान है आजादी। आसमान पर परिंदों को उड़ते देखकर मुझे बेइंतहा खुशी महसूस होती है। परिंदे अपने पर फैलाकर हवा की लहरों पर इस तरह उड़ते हैं जैसे पानी की मौजों पर मछलियां तैर रही हों। कोई सरहद उनकी प्रवास को नहीं रोकती। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कोई पाबंदी नहीं। सरहदों पर फौजी की गोली खाने का खतरा भी नहीं। उनकी प्रवास की कोई हद नहीं है। मैं सोचने लगता, काश मैं भी परिंदा होता। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर मैंने खूबसूरत इश्तिहार बनाया। इश्तिहार पर सफ़ेद कबूतर गहरे नीलगू आसमान में महवे परवाज हैं। उनके सफ़ेद परों से नूर बरस रहा है। उनकी चोंचों में जैतून की शाखें हैं। इश्तिहार मैंने फेसबुक पर लगाया, व्हाट्सएप पर इरसाल किया। थोड़ी ही देर में इश्तिहार बेतहाशा वायरल हो गया और फ़ोन कॉल्स और पैगामात की बूछाड़ शुरू हो गई। किसी ने कहा, तुम मुल्क के गद्दार हो। किसी ने गाली दी, तुम नमक हराम हो। किसी ने लिखा, तुम्हें मुल्क बदर कर देना चाहिए। किसी ने कहा, तुम्हारी शहरियत मनसूख कर देनी चाहिए। किसी ने लिखा, तुम्हें जेल भेज देना चाहिए। मैं परेशान हो उठा। मैं समझता था मुझे मुबारकबादियों के पैगामात मौसूल होंगे, लेकिन मैं लोगों की दुष्नाम तराजियों का शिकार था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि लोग मुझसे इस कदर नफरत का इजहार कर रहे हैं। इस इस्तराब अंगेज सूरत हाल में एक फ़ोन आया। हेलो हेलो जनाब, आपने इश्तिहार पर तारीख गलत लिख दी है। हिंदुस्तान को आज़ादी 15 अगस्त को मिली थी, आपने 14 अगस्त की तारीख लिखी है। ये दिन पाकिस्तान की आज़ादी का है। मैंने अपना इश्तिहार गौर से दोबारा देखा। वाकई उस पर 14 अगस्त की तारीख लिखी हुई थी। मैंने इंतहाई गम और गुस्से की हालत में सोचा, मुल्क आज़ाद हो गए हैं, लोगों को भी आज़ादी मिल गई है, लेकिन अभी भी इंसान का दिमाग गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है।